हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हमने कंसेप्ट नंबर 65 लिखा हुआ है, जिसमें बेटा अभी तक हम दो रेशो की बात कर चुके हैं। एक हमने बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात करी है, और बेटा दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की। आज बेटा बची हुई दो रेशो हैं वो भी ख़त्म करते हैं, और बेटा बहुत सिंपल हैं ये, ठीक है ना। मेरी तरफ देखना बेटा, बाबू अभी लिखने का टाइम दूंगा, आप समझ लो पहले। बेटा थर्ड रेशो है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, आपको समझ में ऑल दो आ भी गया होगा, समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आप बनाते थे बेटा नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता था नेट लिखा है कि नहीं लिखा आपको पता होना चाहिए, हमें नेट करना है, ठीक है ना। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो बेटा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला कैसे बनेगा, नेट क्रेडिट परचेजेस। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को खुद से बना सकते हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल्स। बेटा अगेन ट्रेड पेएबल पे हल्की सी चर्चा, ऑल दो पता ही आपको। बेटा एवरेज ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल में दो बातें आती हैं, एक क्रेडिटर्स और दूसरे बिल्स पेएबल, पता है बेटा। और जब मुझे एवरेज निकालनी है दैट मीन्स बेटा मुझे ओपनिंग क्रेडिटर एज वेल एज बिल पेएबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल पेएबल, इन दोनों का बेटा हाफ करना है, इन दोनों की एवरेज लेनी है, ठीक है ना बेटा। कोई खास मुद्दा नहीं है बाबू। बाबू अच्छा चलो, अगर मैं इसको रीड कराने की कोशिश करूं, अभी रीड कराने की कोशिश करूं, मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में कहता है मेरी नेट क्रेडिट परचेजेस 160,000 है, और बेटा एवरेज क्रेडिटर समझ लो दे रखे हैं 40,000 के, एंड द रेशो इज 4 times। सारी टर्नओवर रेशो बेटा टाइम्स में कैलकुलेट होती है, तो ये भी टाइम्स में कैलकुलेट होगी। अच्छा समझेगा इससे हम, बिल्कुल बेटा एवरेजली जो हमें उधार मिलता है, ठीक है ना, एवरेजली जो हमने क्रेडिटर की पेमेंट करनी होती है वो 40,000 करनी होती है, यानी कि हमें 40,000 से ज़्यादा उधार नहीं मिलता, तब भी बेटा हम उस 40,000 से 4 गुना परचेस कर लेते हैं उधार की। यानी कि 40,000 का उधार मिला, हमने माल बेचा, पैसा आया, पैसा चुकता दिया, फिर 40,000 का उधार मिला, फिर बेचा, फिर पैसा आया, फिर चुकता दिया, फिर बेटा उधार मिला, करते करते बेटा 40,000 का एक एवरेज उधार हमें मिलता है, और उससे हम 1,60,000 रुपये की परचेस खड़ी कर देते हैं। यही मतलब है ना बेटा इस रेशो से। बेटा जैसे आप बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करते थे, ठीक है ना बेटा, यहाँ क्या कैलकुलेट होगा, एवरेज पेमेंट पीरियड, कि बेटा एवरेजली कितने टाइम में आप पेमेंट करते हो बेटा, एवरेज पेमेंट पीरियड। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, दैट सिंपली मींस बेटा 92 डेज। बेटा हर 92 दिन में मैं पेमेंट कर देता हूँ 40,000 उधार की, यही तो मतलब है इस बात का बेटा ना। मैंने उधार लिया 92 डेज में पेमेंट कर दी, मैंने उधार लिया 92 डेज में पेमेंट कर दी, फिर उधार लिया, फिर 92 डेज, यानी कि 4 बार मैं उधार ले पाता हूँ, 4 बार पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना जी। सिंपल बात, जब बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पड़ी है तो ये तो कुछ भी नहीं लग रही होगी, ठीक है ना। एक और रेशो है, ऑल दो बेटा समझाऊंगा बेटा करते करते, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ये बेटा लास्ट रेशो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो की। इसका फॉर्मूला है बेटा नेट सेल्स, नेट मतलब पता ही है आपको बेटा, नेट मतलब रिटर्न्स मुझे माइनस करनी है, अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का भी मतलब आपको पता है बेटा, सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है। इसका एनालिसिस बेटा जब क्वेश्चन करूँगा तब कर दूँगा, ठीक है जी। आज ही बेटा ये दोनों ख़त्म करने हैं, 89 इलस्ट्रेशन तक इन दोनों पर बेस्ड हैं बेटा इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो 89 तक हम फिनिश करते हैं, एडवांस होमवर्क बता देता हूँ बेटा आपको, ठीक है ना। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 82 to 91, ठीक है जी। 10 क्वेश्चन ही होमवर्क दे रहा हूँ बेटा एज पर प्रॉमिस, ठीक है ना। चलो
तुम तो यार क्या यार ऐसे घूरते हो जैसे पता नहीं क्या कर दूंगा मैं। लो चलो फटाफट से नोट करो इसको। लो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 82 से स्टार्ट करेंगे, फटाफट से इलस्ट्रेशन रीड करना। कहता है बेटा कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 620, परचेज रिटर्न 20, और वो बोलता है आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस ही है। नहीं भी देता तो बेटा एज्यूम यही करना पड़ता कि आउट ऑफ क्रेडिट परचेजेस ही रिटर्न है। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी और बेटा क्लोजिंग बीपी। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। बेटा मुझे फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेजेस चाहिए। तो बेटा मेरे पास क्रेडिट परचेजेस भी हैं और मेरे पास रिटर्न भी है, तो बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो नेट क्रेडिट परचेजेस। और बेटा ओपनिंग क्रेडिटर 1 लाख, ओपनिंग बिल पेबल 25, यानी कि बेटा ओपनिंग ट्रेड पेबल 125 का है और क्लोजिंग बेटा 175, 125 और 175 का एवरेज 150। तो बेटा 150 आ गया, यानी कि बेटा ये रेशो आई 4 times। कमाल की बात है, मैंने जो एग्जांपल दिया वो भी 4 times था और ये बाई चांस आई भी 4 times। और बाबू अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ जाए एवरेज पेमेंट पीरियड तो कैसे कैलकुलेट होगा? 365 डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया बेटा? ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। दैट सिंपली मींस कि आप बेटा हर 92 डेज के बाद पेमेंट कर देते हो अपने उधार की। तो 40,000 का आपको उधार मिलता है, हर 92 डेज में आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 83। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 83 बहुत सिंपल है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड मुझे निकालना है। मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देता है बेटा, क्रेडिटर देता है, बीआर देता है, बीपी, परचेस और डेटर। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एवरेज बेटा ट्रेड पेबल या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज चाहिए होता है, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो बीआर हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे क्रेडिटर हो। अगर आप देखोगे बेटा कहीं एवरेज नहीं दे रखा, ठीक है ना, ना ये बताया ओपनिंग है ना ये बताया क्लोजिंग है। सर इसी को ही एवरेज मान के क्वेश्चन करना पड़ेगा, रायता ना फैलाना बेटा, ठीक है ना। अच्छा देखो ये भी देख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवेन है, मुझे क्या चाहिए होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए? नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स सबसे पहली बात। तो चलो रिटर्न तो नहीं भी होती किसी क्वेश्चन में, नेट क्रेडिट सेल्स ही है। क्या क्रेडिट सेल पता है? नहीं, सेल पता है बेटा। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है तो मतलब सेल पता है बेटा, एज्यूम करना पड़ेगा यही क्रेडिट सेल्स है, ठीक है ना। लो प्यारे बच्चों लाओ मैं करता हूँ क्वेश्चन। बेटा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है बेटा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यही है फॉर्मूला बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, यही मानना पड़ेगा यही सारी की सारी सेल उधार हुई है। बेटा कितना है बेटा? 3,60,00,000 ऐसा ही है बेटा। और बाबू आपको देता है क्रेडिटर, बी आर, बी पी, परचेसेस, डेटर। बेटा डेटर और बी आर लो और बेटा कैलकुलेट कर दो, हम तो मान के चल रहे हैं यही एवरेज है बेटा, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीज़ें आती हैं, डेटर भी और बी आर भी। तो बेटा एक दे रखा है 40,00,000, एक दे रखा है 8,00,000, तो बेटा 48,00,000 आ गया। कैलकुलेट कर लेना, इट इज 7.5 times। तो बेटा एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कैलकुलेट होकर आएगा बेटा 49 days। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? ऐसे ही बेटा बी पार्ट भी कर देते हैं। बाबू मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, परचेजेस देखो। आपको बेटा परचेजेस दे रखे हैं 1.5 crore की। बेटा मुझे चाहिए तो सही मायने में नेट क्रेडिट परचेजेस, ये परचेजेस दे रखी हैं, एज्यूम करना पड़ेगा सारी उधार खरीदी है बेटा। चलो जी 1.5 crore की बेटा परचेजेस हो गई डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल। बेटा बीपी दे रखा है 60 का और बेटा क्रेडिटर दे रखे हैं 12,00,000 के, एज्यूम करना पड़ेगा यही एवरेज है 12,60,000। जो भी आएगा बेटा यही आंसर है। नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है बेटा लिखने की, क्योंकि टीचर को भी पता है आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है बेटा इसका, तो ठीक है ना। अजम्पशन भी उस चीज़ की होती है बेटा जहाँ पर कुछ भी ना हो, यहाँ पर बेटा कुछ तो है, जो कुछ है वही सब कुछ है, ठीक है ना बेटा।
लो प्यारे बच्चों कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही बेटा आप एवरेज पेमेंट पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, 365 डिवाइडेड बाय 11.9, तो बेटा आंसर आएगा 31 डेज। ठीक है जी बाबू, अब मेरे को नई रेशो पे क्वेश्चन करने हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला मैंने बता दिया बेटा, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 84 से कहता है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 130, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 380। बेटा नेट सेल्स, यहाँ क्रेडिट सेल्स नहीं है, नेट सेल्स की बात है, ठीक है ना। तो कैश सेल्स मुझे गिवन है 130, उधार सेल्स गिवन है 380, दोनों को प्लस करेंगे बेटा टोटल सेल्स आ जाएंगी बेटा 510 बाबू। लेकिन नेट सेल्स चाहिए तो बेटा अगला ही पार्ट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, यानी कि सेल रिटर्न है 10,000 की। 5,10,000 की टोटल सेल आई थी, 10,000 माइनस करे मेरी सेल्स हो गई बेटा 5,00,000 की, ठीक है ना। अपॉन में वर्किंग कैपिटल बेटा, यानी कि सी ए माइनस सी एल। मुझे लिक्विड एसेट्स गिवेन है, करंट लाइबिलिटी गिवेन है, इन्वेंट्री गिवेन है। लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री को जोड़ो, आ गया करंट एसेट्स, माइनस करो करंट लाइबिलिटी, हो गया क्वेश्चन खत्म। लो बेटा फिर भी कर देता हूँ, ठीक है ना। ऑल दो खैर ये है बहुत आसान, लेकिन कर देता हूँ मैं एक बार। बेटा सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 84, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है बेटा, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। बेटा नेट सेल्स कैसे कैलकुलेट करी, इसमें कैश सेल्स भी गिवेन है क्वेश्चन में, मुझे क्रेडिट सेल्स भी गिवेन है। अगर मैं दोनों सेल्स को प्लस कर दूं तो बेटा मेरे पास टोटल सेल्स आ जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए बेटा नेट सेल्स, यानी कि रिटर्न माइनस करनी है। तो बेटा माइनस सेल्स रिटर्न्स, और बेटा अपॉन में बेटा सी ए माइनस सी एल, वर्किंग कैपिटल मतलब सी ए माइनस सी एल। बेटा कैश सेल्स 130 की, क्रेडिट सेल 380, सेल्स रिटर्न 10,000। बेटा करंट एसेट्स के ऊपर सिंगल स्टार लगाओ, कैलकुलेट करो जरा करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। याद है ना बेटा, करंट रेशो और लिक्विड रेशो में ये बात कर चुके हैं। बेटा लिक्विड एसेट्स मेरे पास है 140 की, और इन्वेंट्री दे रखी है 90,000, दैट मीन्स करंट एसेट्स कैलकुलेट होंगी 230। तो बेटा 230 माइनस 105,000 कैलकुलेट हो जाएगा, 5,00,000, 1,25,000, रेशो आएगी बेटा 4x, ठीक है ना बाबू। रीड करके बताना रेशो, ये थोड़ी सीखा आपने, कह सकते हो। बेटा देखो आपको बता देता हूँ, जिस दिन हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो लिख रहे थे ना, आज भी बता देता हूँ मैंने क्या लिखवाया हुआ है, कि हाउ एफिशिएंटली फर्म यूजेस इट्स रिसोर्सेज टू कन्वर्ट इट इनटू द सेल्स, कि कितने अच्छे से आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो उसको सेल्स में कन्वर्ट करने में। आप देखोगे बेटा, चाहे आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देख लो, वहाँ पे आप कॉक्स का यूज करते हो, सबसे ऊपर कॉक्स लिखते हो ना। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो देख लो बेटा, वहाँ हम क्रेडिट सेल्स का यूज करते हैं, कि आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे यूज, कितनी अच्छी तरीके से यूज करते हो, कितने अच्छे से उसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी क्या होते हैं बेटा, डे टू डे खर्चे, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं बेटा मेनली। तो बेटा अगर आप देखोगे स्टॉक आता है इसमें, तो आप कितने अच्छे से अपने स्टॉक को सेल में कन्वर्ट करते हो, मतलब तो ये है इस बात से। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, सी ए माइनस सी एल, सी ए मतलब करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मेनली मीन्स इन्वेंट्री, कि आप अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल्स में तब्दील कर देते हो। आपकी दुकान में इन्वेंट्री बहुत पड़ी है, कितना सेल्स में तब्दील करते हो, यानी कि अगर मैं ढंग से रीड करूं मेरा मतलब क्या होगा, एक टाइम पर बेटा मेरे बिजनेस में 1,25,000 रुपए लगा रहता है, और उससे मैं 4 गुना सेल करता हूं। समझ आया, रीड करना आया बेटा, एक टाइम पर मेरे बिजनेस में 1,25,000 रुपए लगा रहता है बेटा, उससे मैं 4 गुना सेल करता हूं, यानी कि मैं अपने स्टॉक को बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूं। 1,25,000 का स्टॉक आता है, बेच देता हूं, फिर 1,25,000 का खरीदता हूं, फिर बेच देता हूं, साल में 4 बार 1,25,000 का स्टॉक बेचता हूं। क्लियर बात, बढ़े आगे बेटा। चलो जी, लो प्यारे बच्चों बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 85 की। अब देखो ये टिपिकल करने की कोशिश तो करेगा बेटा, पर होगा नहीं, मुझे पता है मैंने सारे क्वेश्चन देखे, हुआ ही नहीं इससे टिपिकल की कहीं क्वेश्चन मुश्किल बनी जाए। बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करनी है, पेज पलटेगा
कोई नहीं बेटा, बहुत दिन बाद तो मौका आया बेटा कुछ पूछने का। हाँ हाँ अभी बैंड बजाता हूँ दो चार की। बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या कॉक से काम चल जाएगा? मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे तो नेट सेल्स चाहिए, कॉक से तो काम ही चलेगा, जीपी होगा तो बेटा चल जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इन्वेंट्री गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड बैंक। आपको बता देता हूँ बेटा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एंड बैंक, ये चारों करंट एसेट्स हैं। याद आया होगा 6CSO आपको तो, ठीक है ना। वैसे याददाश्त कमजोर है आपकी, मुश्किल होगा याद करना। और बेटा ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दोनों करंट लायबिलिटी हैं। और आपको बता देता हूँ आगे कुछ भी नहीं दे रखा सॉल्यूशन के अलावा। नेट सेल्स कहाँ से आई? अजम्पशन लेनी पड़ेगी, मजबूरी है। सेल्स नहीं है गिवन बेटा, और कॉक्स गिवन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि कितनी वैल्यू का बेटा आपने गुड्स बेचा है, ठीक है ना। आपको क्या वैल्यू पड़ी थी उन गुड्स की? बेटा कायदे से तो जीपी चाहिए, ये कोई ढंग से कोई सही रेशो कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है ना। अगर जीपी होता मैं नेट सेल्स निकाल पाता तब ये सही रेशो कैलकुलेट होती। लेकिन बेटा मैं क्वेश्चन में रायता नहीं फैला सकता कि सेल्स गिवन ही है, लेट्स अज्यूम सेल्स टू बी जीरो, और बेटा क्वेश्चन का रायता फैला दूं और कह दूं बेटा आंसर आया जीरो, ठीक है ना बेटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है, लैक ऑफ स्टैट्स की वजह से आपको कॉक्स को ही सेल मानना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। ये सर ये तो मानना फिर भी जायज मैं समझता हूं कि जीपी जीरो है, कि हमने कुछ नहीं कमाया, जितना का हमें सामान पड़ा था उतने में ही बेच दिया हमने, जितने का कॉस्ट था वही हमारी सेल प्राइस है, जीपी जीरो है, ये तो मानना फिर भी जायज है बेटा। लेकिन ये मानना कि सेल ही जीरो है, सर कैसी बात कर रहे हो, सेल भी जीरो हो जाएगी क्या? समझ आया ना बेटा। तो इस क्वेश्चन में स्टैट्स की कमी है जिसकी वजह से आपको कॉक्स को ही बेटा सेल्स मानना पड़ेगा। लो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 85 सॉल्व करते हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, यानी कि सी ए माइनस सी ए। बेटा कॉक्स को ही नेट सेल मान रहे हैं 18 लाख रुपी, और बेटा सी ए यानी कि शुरू की है चार चीज़ें, इन्वेंट्री 360 बेटा, देन ट्रेड रिसीवेबल 175-30 हो गया, और बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी और कैश ऑन बैंक 70 यानी कि 6 लाख हो गया, 6 माइनस 1.5 बेटा, 6 लाख माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में दो चीज़ें आपको गिवेन है, ट्रेड पेबल भी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ आता था, एस्टॉस में कहाँ आता था, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ये अभी पता लग गया आपको कि 10 दिन नहीं बीते, अभी पिछला चैप्टर खत्म हुए बेटा। लो जी बेटा 18 लाख अपॉन 4,50,000, ये रेशो का आंसर आएगा 4 times, खत्म। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 86 बेटा। करंट एसेट्स देता है, करंट लाइबिलिटी देता है, इस बार कॉक्स तो देता है लेकिन साथ साथ जीपी भी दे देता है, इसको पूरा खौफ हुआ। लो बेटा करंट एसेट्स भी पता है, करंट लाइबिलिटी भी पता है आपको, कॉक्स भी पता है, और बेटा जीपी रेशो भी पता है। लो जी इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगनी है, इलस्ट्रेशन नंबर 86 बेटा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फॉर्मूला कहता है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स सी ए माइनस सी एल। बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, जीपी है बेटा 1/5 ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट ही दे रखी है, ठीक है ना बेटा। तो 1/5 कितना आएगा, 10 लाख का 1/5 2 लाख, यानी कि सेल्स कितनी आएगी बेटा 12 लाख। सेल्स आई 12 लाख अपॉन सी ए माइनस सी एल बेटा 180 माइनस 30, यानी कि बेटा 150, यानी कि रेशो इज 8 times, खत्म। ऐसे ऐसे ये तो MCQ में भी दिए जा सकते हैं। लो जी बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 87 करने की मुझे जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार जीपी रेशो ना बेटा 1/5 ऑफ सेल्स बताई, 1/4 ऑफ कॉस्ट, खत्म, बिल्कुल सेम है। और बाबू आपको बता देता हूं इसमें जो 5th आइटम दिया है शेयर होल्डर फंड, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, इसका क्या यूज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है ना बेटा। तो 87 नहीं कर रहा मैं, ये बिल्कुल थका हुआ है, बिल्कुल सेम 86 जैसा। चलो जी 88, और मुझे लगता है शायद ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का नहीं, अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो जी बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपको सेल्स दी गई हैं, और बेटा मुझे क्या चाहिए इसके अलावा, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स है, करंट लाइबिलिटी बेटा निकालनी पड़ेगी। लो जी निकल जाएंगी, खैर कोई दिक्कत नहीं है बाबू,
सामने देखना आप, इलस्ट्रेशन नंबर 88 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 88, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है बेटा, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, जिसको मैं सी ए माइनस सी एल लिख रहा हूँ। नेट सेल्स बेटा 12 लाख, करंट एसेट्स आपको गिवेन है बेटा 5 लाख, करंट लाइबिलिटी गिवेन नहीं है। क्या करो बेटा, स्टार लगाओ बेटा, कैलकुलेट करो। लो बेटा कैलकुलेट करते हैं बेटा करंट लाइबिलिटी। बाबू अगर आप देखोगे टोटल एसेट्स है, एसेट्स का टोटल पता है, ठीक है ना, और बेटा बैलेंस शीट के साथ फीचर क्या है बेटा, जितनी एसेट्स हैं उतनी लाइबिलिटी है, यानी कि यही टोटल लाइबिलिटी का भी है। और बेटा लाइबिलिटी में मेरे पास चार ही मेन हेड हैं, जिसमें से मुझे सेकंड मेन हेड का कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है ना बेटा। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, जितना एसेट्स का टोटल है, जितनी टोटल एसेट्स हैं वही तो टोटल लाइबिलिटी भी होगी ना बेटा। यानी कि टोटल एसेट्स दे रखी हैं 8 लाख, तो बेटा टोटल लाइबिलिटी भी 8 लाख, ठीक है ना। नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है 4 लाख, बहुत अच्छी बात। शेयर होल्डर फंड दे रखा है बेटा 2 लाख, तो बेटा करंट लाइबिलिटी वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स 2 लाख, ठीक है ना जी। लो क्वेश्चन फिनिश, कुछ भी नहीं था बेटा, आंसर इज 4 टाइम्स, ओके बात। चलो जी बेटा 89th क्वेश्चन, और ये बेटा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो से आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद जो रेशो स्टार्ट होगी ना वो और थकी हुई है, इससे भी ज्यादा थकी हुई। चलो जी, मैंने पहले ही बोला था बेटा ये सिर्फ चैप्टर जो है बेटा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। ऑल दो आप रेशो पढ़ना जानते होंगे, आपके दोस्त पढ़ना नहीं जानते होंगे, नंबर दोनों के बराबर ही आएंगे, आप यहां पर एज नहीं ले पाते, ठीक है ना। ये एक कमी होती है 12th क्लास में, सिर्फ यही एक 12th क्लास में कमी होती है। सीए में जाके बेटा जिसके पास समझने की पावर है ना, बढ़ता आगे वही है, वानी चलती कहानी रट रट के। चलो जी बाबू, कहता है अ कंपनी अर्न जीपी ऑफ 1/4 ऑफ कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट। कहता है बेटा 31/5/17 में कंपनी का जीपी है 5 लाख, इक्विटी शेयर कंपनी के 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख, नॉन करंट एसेट्स 10 लाख। कहता है बेटा कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी। चलो जी बहुत अच्छी बात, कैलकुलेट होगा और बहुत ईजली होगा, लेकिन एक लौता क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा वो यही था, ठीक है ना। एक लौता क्वेश्चन इस पूरी रेशो में अच्छा है बेटा, बस वो यही है। लो प्यारे बच्चों 89 तो मैं खुद करना चाहता हूँ, बढ़िया लगा क्वेश्चन। बाबू आपको क्या कहता है, जीपी देता है परसेंटेज में भी और इन अमाउंट में भी, ठीक है ना। मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मुझे तो बेटा सेल्स तक पहुँचना है। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, बाबू आपको कहता है जीपी जो है 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 25% ऑफ कॉस्ट मीन्स 1/4 ऑफ कॉस्ट, यही है ना बेटा। जीपी बेटा कॉस्ट का 1/4 है, और बेटा जीपी इन अमाउंट 5 लाख है, यानी कि बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया बेटा 20 लाख, कॉक्स कितना है बेटा 20 लाख, और जीपी पता है अमाउंट में 5 लाख है, ठीक है ना बेटा। यानी कि मेरी सेल्स कितनी हो गई बेटा, सेल्स 25 लाख हो गई, दिक्कत क्या है इसमें, सिंपल है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी वेरी गुड, कर सकते हैं बेटा। 25 लाख मेरी नेट सेल्स हो गई, इसमें वर्किंग कैपिटल निकालने में ही पेश दिया है, अपनी तरफ से इसने कोशिश करी, वैसे बनता नहीं मेरे हिसाब से मुश्किल। बेटा इसने आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दी, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, यानी कि शेयर होल्डर फंड, इन दोनों का टोटल शेयर होल्डर फंड ही तो होता है। इसने बेटा लॉन्ग टर्म लोन दिया यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, और बेटा नॉन करंट एसेट्स दी थी, ठीक है ना। ना तो बेटा पता करंट एसेट्स, ना पता करंट लायबिलिटी, घबराना मत, आपको लगेगा कि यार दोनों वेरिएबल नहीं दिए मैं कैसे निकालूंगा, और डर जाओगे आप, ईजली आएगा, देखो कैसे आएगा समझना, मेरी तरफ देखना। एसेट्स में दो चीजें होती हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, है ना। लायबिलिटी में 3 चीजें हमारे पास, 4 होती हैं, ऑल दो बेटा एक का यूज नहीं है हमारे लिए, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये दोनों बराबर होती है ना इक्वेशन, पक्का ना बेटा, सामने देखते रहना अगर समझना है तो। बेटा सी ए को इधर ही लिखे रहन दो, सी एल को इधर उठा के ले आओ, मुझे तो ये चाहिए ना बेटा, ठीक है ना बाबू। सी एल इधर माइनस में आ गया, अगर ये उधर जाएगा ये भी माइनस में जाएगा। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट्स, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ ये तीनों दिए हुए हैं, यानी कि डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी,
डरना मत कि दोनों वेरिएबल नहीं दिए हुए, कई बार क्वेश्चन ऐसे फंसा सकता है। करते टाइम मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, कहा यार ये बढ़िया दिया इसने। चलो जी, तो बेटा शेयर होल्डर फंड मेरे को कितना पता है बेटा, 12 लाख, 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, यानी कि 12 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 3 लाख, और बेटा करंट एसेट्स मेरे को दी हुई है 10 लाख की, सॉरी नॉन करंट एसेट्स, यानी कि बेटा वर्किंग कैपिटल इज 5 लाख। तो बेटा रेशो आ गई 5 टाइम्स, ठीक है ना जी बाबू। लास्ट रेशो स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कंसेप्ट नंबर 66 लिखना जरा, एक ही मिनट का है, मुझे टाइम नहीं लगाना बेटा। दो इलस्ट्रेशन करने में अगर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा तो बेटा मैं कल की छुट्टी कर दूंगा पक्का। हाँ हाँ मैं कह रहा हूं, अगर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा, तुझे क्या लगा, लगने दूंगा मैं टाइम। चलो जी, तेरे को लगता है कि छुट्टी होने वाली है तेरी, कंसेप्ट नंबर 67 है। चलो जी अच्छा, इसका मतलब मैंने पिछला कंसेप्ट नंबर गलत लिख दिया। कंसेप्ट नंबर 67, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लो प्यारे बच्चों, और आज सिर्फ एक ही रेशो इसमें मुझे पढ़ानी है, दैट इज जीपी रेशो। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत समझदार बेटा, जीपी रेशो मुझे पढ़ानी है, सब सामने देखेंगे, बस एक बात लिखूंगा, फिनिश करता हूँ बेटा। जिस दिन मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लिखवाई थी ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, उस दिन मैंने यहाँ पर यही बात लिखी थी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो बस ये इंडिकेट करती है कि रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, ठीक है ना, प्रॉफिट का रेट क्या है। और आपको बता देता हूँ, मेरे से बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉफिट निकलवाएगा, मैं ऑल दो पहली रेशो पढ़ा रहा हूँ, अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, कल को बेटा नेट प्रॉफिट रेशो भी पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी पढ़ेंगे, यानी कि बहुत सारे तरीके के मेरे पास प्रॉफिट होते हैं, लगभग कुछ 3 से 4 तरीके के, सबका रेट निकलवाएगा, ठीक है ना। ये एक ऐसी रेशो है बेटा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है बेटा, ठीक है ना। जैसे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो को हम टाइम्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा, लिक्विडिटी रेशो और सोलवेंसी रेशो को प्योर रेशो के सेंस में प्रेजेंट कर रहे थे, इसको हम परसेंटेज सेंस में प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाय 100, और जब तक मैं मल्टीप्लाई 100 से नहीं करूंगा तब तक परसेंटेज में आएगा ही नहीं, पता ही है आपको बेटा, मैथ्स वालों को तो अच्छे से बताओगे ये बात, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला का तो मुझे कुछ बताना ही नहीं, जीपी किसको नहीं पता बेटा, टी फॉर्म के ऊपर मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ, सेल्स नहीं पता क्या आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, सब चर्चा हो रखी है, तो इसमें बेटा मेरा कोई एनालिसिस बैठता ही नहीं है, ठीक है ना। मैं बोलूं किसी बिजनेस की सेल 20 लाख है और किसी बिजनेस में बेटा उसी बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख, तो बेटा किस रेट पे कमा रहे हो, 20% पे, बस खत्म। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का काम ही क्या है बेटा, रेट ऑफ प्रॉफिट बताना, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। अभी आज ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं, बस शक्ल दिखानी है मुझे इलस्ट्रेशन 90 और 91 की, 30 सेकंड शुरू होते हैं बेटा अब। इलस्ट्रेशन नंबर 90, सेल भी दिया हुआ है, जीपी भी दिया हुआ है, परसेंटेज निकालनी है। 91 में बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, वेजेस अगेन आ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, यानी कि टी फॉर्म की सारी बातें दी हुई हैं, ठीक है ना। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट की सारी बात दी हुई है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, लो जी चिपकाओ 50,000, यही आता है ना बेटा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस कितनी दी हुई है 1.5 लाख, लेकिन बेटा परचेज रिटर्न भी दी गई है। लो प्यारे बच्चों, परचेज भी आ गई, और क्या दिया, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है, और क्या दिया हुआ है बेटा, सेल्स दी हुई है, और क्या दिया हुआ है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बस खत्म हो गया बेटा, यानी कि 1 लाख आया होगा जीपी, जीपी आया 1 लाख अपॉन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गई भाई जीपी रेशो 40%। मैंने पहले ही कहा था कुछ नहीं है, ओके ना बेटा, बात बाकी बातें कल करेंगे, 91 तक जंग पहुंच गई, कल शतक मारना है बेटा हमने, तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।